नेक्स्ट पे लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन भी। रोलिंग में दो तरह के सिस्टम होते हैं भाई, कौन से? ट्रांसलेशंस और प्योर रोटेशंस भी। दोनों का एनर्जी को जोड़ूंगा तो आंसर रहेगा मेरा, कर लोगे? देख लीजिए टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन इज इक्वल टू, इसको मैं ई ले लेता हूँ, ये आएगा एनर्जी ऑफ रोटेशन भाई, ई आर लिख दूँ, प्लस एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन भाई, ई टी लिख दूँ, दोनों हो भाई इसमें, ठीक है? आपको इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा ई आर और ई टी के, तो निकालते हैं पहले। तो इसमें क्या होगा भाई ट्रांसलेशन में, बड़ी सिंपल चलेगी स्ट्रेट लाइन में, निकाल चुके हैं हाफ एम वी स्क्वायर पे, सिंपल है भाई, यस और नो? तो लिख लीजिए काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल भी, ट्रांसलेशन मोशन भी कितना था भाई, इट इज हाफ, इसको मैंने इटी ले लिया है, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, सही है। अब करते हैं रोटेशंस के अंदर में, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन भी, रोटेशनल मोशन क्या होता भाई, कुछ याद है? पहला टॉपिक इंस्टीट्यूट का यही था, अगर याद हो तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला टॉपिक, एनर्जी निकाल दी हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी निकाल दी सबसे पहले, याद है कि नहीं है? ये था हाफ, मैं बोला याद ना हो तो क्या करो, आई ओमेगा स्क्वायर, उतने वही है, मास को दिखाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी दिखाएगा भाई, आई ओमेगा स्क्वायर, बस यही है, जोड़ना इनको अभी। अब देखा जोड़ना प्रॉब्लम क्या भाई, एक वेलोसिटी कौन सी है लीनियर वाली, दूसरी कौन सी एंगुलर वाली, जोड़ नहीं सकते यार, दोनों को क्या बना दो एंगुलर बना दो, दोनों क्या बना दो लीनियर बना दो भाई, मर्जी तुम्हारी है, कर लोगे तो कैसे? एक रिलेशन था वी और ओमेगा के अंदर भी, कुछ याद है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा भी, याद है कि नहीं है? तो ओमेगा किसके बराबर होगा, वी बाई आर भी, वी बाई आर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई आर भी, हाफ आई ओमेगा कितना, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यस आर नो? वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कर लोगे इतना? एक और प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम? मास को इनर्शिया अलग है, मास अलग है भाई, या तो इनर्शिया को मास बदल लो या मास को इनर्शिया बदल लो भाई, यस आर नो? अब आपको याद होना चाहिए इनर्शिया निकला था हम लोगों ने एक बॉडी का, इसकी शेप हमको पता ही नहीं थी, नाम था रेडियस ऑफ ग्रेसेंस भी, याद है कि नहीं है? शेप हो तो सिंपल आंसर था, निकाल रखा हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर भी निकाला हुआ ना, किस जगह पर निकाला हुआ है, अगर शेप ही नहीं पता क्या पता मेरे को जो बॉडी रोल कर रही है किसकी शेप क्या है भाई, जुड़ जुड़ी है डिजाइन सर्कल फॉर्म में हो, रिंग हो, स्पीयर हो, क्या पता क्या हो, सिलेंडर भी हो सकता है रोल करता हुआ, स्पीयर भी हो सकता है, रिंग भी हो सकती है, यस और नो? जिनको पता ही नहीं कि शेप क्या जो रोल कर रही है, तो उसके लिए क्या लगा लेते हैं, रेडियस ऑफ ग्रेसन लगा लेते हैं भाई, देख लीजिएगा, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज कितना होगा भाई, आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज, लिखो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, आई इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, हाफ, हाफ था क्या, हाफ नहीं था भाई, एम के स्क्वेयर भी, याद है एम के स्क्वेयर, के क्या था, रेडियस ऑफ ग्रेसन बोला गया था इसको भी, कर लोगे? बस पुट कर दो इसमें, अभी आई भी आया हुआ है भाई, पुटिंग द वैल्यूज भी, ई आर की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, आई कितना है, एम के स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर कितना भाई, वी स्क्वेयर बाई आर भाई, सही है, आर स्क्वेयर, वी स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, अगर एक सिंपल बॉडी होती है ना, हमको पता होता क्या लगती है, हम वो एम आर स्क्वेयर लगते हैं, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके लिए है जो उनकी सेब उनको पता ही नहीं है कि कौन सी सेब रोल कर रही है, सेब पता होगी तो फार्मूला मेरे को याद भी होगा, हमने आई निकाला हुआ है मैंने लस्सी हर एक बॉडी का भी, और उसके लिए हमने एक टेबल बना रखी, टेबल बना रखी है, हर एक आंसर अभी उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर सब, आई का वैल्यू कितना भी, कर लोगे? जो भी शेप पता है वहाँ पर लिख दीजिए, या सिंपल लिखो एम एम के स्क्वायर भी, तो इसका आंसर हुआ भाई
हमें निकालना, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एक का था हाफ एम वी स्क्वायर, यही था ना, अभी दूसरे का हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वी, तो कॉमन निकाल सकते हो, निकालना हो तो आपको 1/2 m कॉमन आ गया, क्या है वी स्क्वायर भी है, वी स्क्वायर भी है इंटू 1+ यहाँ पे क्या आएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वी, दिस इज द टोटल एनर्जी इन रोलिंग मोशंस भी, इंटरम ऑफ इनर्सिया भी, सॉरी नॉट इंटरम ऑफ इनर्सिया, इंटरम ऑफ मास भी, ठीक है कर लोगे आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक को चेंज कर सकते हो भी, मैंने इंटरम ऑफ मास निकाला, आप इंटरम ऑफ इनर्सिया निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी मास को चेंज कर दो भाई, सारा इस टर्म में ले आइए, इंटरम ऑफ इनर्सिया ले आइए इसको, ऐसा भी कर सकते हो जाएगा, यानी जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला आएगी है भाई, काइनेटिक रोटेशन प्लस काइनेटिक ट्रांसलेशन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, यस बी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है भाई मोशन ऑफ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, डायग्राम देखिएगा एक बार दोबारा से, ये सिंपल इट इज ए इंक्लाइंड प्लेन और एक सिलेंडर है अभी, सिलेंडर समझते हो चौक ही मान लेते, चौक ऐसे आ रहा है घूमता हुआ, तो चौक को आपका ये वाला सेक्शन दिखाई देगा यहाँ पे, तो रोलिंग करता हुआ चौक ऐसे आ रहा है नीचे, ठीक है भाई, ये सिलेंडर अभी कंप्लीट ऐसे रोल करता हुआ आ रहा है, अब ये देखिए इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ वेट होगा, मास होगा, वेट कहाँ पे होगा भाई, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, बात नहीं, ये एंगल कितना है थीटा, डायरेक्शंस कहाँ पे होती है, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, इसको एन लिया था हम लोगों ने, एन भी, ये एंगल कितना था थीटा, ठीक है इसको रिजोल्व किया था भाई एम जी कोस थीटा, यार को किया था एन को किया था, ये इसको किया था एम जी को किया था, इस तरफ आ रहा है एम जी साइन थीटा, ये नीचे आएगा अभी विद एक्सेलरेशन, ये घूमता हुआ ऐसे, ठीक है तो इस तरह से आएगा तो फ्रिक्शन उल्टा बनेगा इसके मोशन का भी, ये क्या है फ्रिक्शन फोर्स, कर लोगे डायग्राम बना चुके थे तो लिख लीजिएगा अभी, लिखिए वी हैव ए सिलेंडर, वी हैव ए सिलेंडर ऑफ मास एम, वी हैव ए सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर, रेडियस आर रोल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, रोल ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल थीटा वी, एट एंगल थीटा, ठीक है अब देखिए अभी ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, जो भी चीज लिख रहे हैं यहाँ पे उसको लिख दो एज इट इज भी, एन बराबर क्या लिखूं एम जी कोस थीटा, एन किसके बराबर है एम जी कोस थीटा, और नीचे आ रहा है सिलेंडर ऐसे, तो एम जी साइन थीटा बड़ा है कि फ्रिक्शन बड़ा, एम जी साइन थीटा बड़ा, तो नीचे आ रहा होगा कितना बड़ा भाई, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू फोर्स माइनस फोर्स, आंसर फोर्स का ही रहेगा, और फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है, पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन रही मेरी भी, ठीक है एक तो ये बन गई, एक ये सिंपल बन गई एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए वी, ठीक है आप फ्रिक्शन को भी काउंट कर सकते हो इन टर्म ऑफ म्यू एम जी म्यू आर या म्यू एम जी की टर्म में, अभी नहीं कर रहे उसको, अब ये बॉडी नीचे आ रही है घूमती हुई भी, इसके घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऐसे कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन है सर, अगर ये फ्रिक्शन होता तो बॉडी क्या करती स्लिप करती हुई ऐसे, कर लोगे फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शन इसको रोक रहा है इस तरफ से भी, ये बॉडी ऐसे घूम पा रही है, तो अगर मैं टॉर्क निकाल रहा हूँ कि बॉडी घूम रही है टॉर्क लगेगा इसके अंदर भी, टॉर्क क्या होता है भाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
फोर्स तो ये लग रहा है, एक तो इस तरफ फ्रिक्शन की वजह से। ये क्या है इसका रेडियस, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये रहा, ये क्या है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये क्या है इसका फोर्स। तो क्या बन गया, टॉर्क बन गया। यस और नो? तो टॉर्क क्या होगा भाई क्लास, सिंपल है, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आर रेडियस। यस और नो हो गया। एक और चीज भाई, जब ये घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। यस और नो? अल्फा मान लेते हैं भाई, अल्फा क्या है, लेट अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क को इन टर्म ऑफ अल्फा लिखना हो तो भी कैसे लिखेंगे बताइए, ये टाउ था ना भाई। टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ, टॉर्क होता है किसको दिखाता है, टॉर्क फोर्स को दिखाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास किसको दिखाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी, आई अल्फा भी। सही लिखा है मैंने, आई अल्फा। ओके अब अल्फा को लिखना हो इन टर्म ऑफ ए, क्योंकि मेरा ए में नहीं लिखना मेरा सारा आंसर। तो व्हाट इज ए, ए क्या होता है, ए होता है भाई आर अल्फा भी, रिलेशन था। यस आर नो? तो अल्फा बराबर है ए बाई आर। यस आर नो बता दो। तो टॉर्क कितना होगा यहाँ से भी, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू आई, अल्फा कितना है भाई ए बाई आर। सही है, तो दो टॉर्क हो गए भाई, एक तो टॉर्क ये रहा फर्स्ट इक्वेशन, एक टॉर्क ये रहा भाई सेकेंड इक्वेशन। समझ में आई बात, सही है, दोनों टॉर्क हैं, दोनों सेंटर पे लग रहे हैं तो बराबर होने चाहिए। यस सर ना, ये तो टॉर्क निकाला हम लोगों ने इंटरम ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस के हिसाब से, ए निकाला उसके एंगुलर एक्सेलरेशन के हिसाब से। कर लोगे भी, देख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड भी, इनको रब कर दें, फर्स्ट और सेकेंड में एफ आर इज इक्वल टू कितना भाई, आई ए बाई आर, आई ए बाई आर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन भी, आई ए बाई आर स्क्वायर। मैं फ्रिक्शन राइट में निकल सकता था भाई, किस तरीके से, एफ इज इक्वल टू म्यू आर से भी, म्यू एम जी कॉस थीटा से भी। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपको सिलेंडर का क्या दिया जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया जाएगा, उसमें नहीं आएगा आई का वैल्यू, इसमें आ गया। कर लोगे तरीके आपके हिसाब से, आप देखो फिजिक्स में क्या करते हैं आप लोग, स्टेप्स ठीक होने चाहिए आपके, कुछ भी बना लोगे ठीक होना चाहिए, गलत नहीं हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। आपको स्टेप्स याद, मतलब ये पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, गैप ये भी होता है वो भी होता है, मर्जी कौन सा यूज कर ले, मेरी मर्जी है। कर लोगे तो उसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता भैया, कभी भी लॉजिक से ही होना चाहिए आपके, आंसर अलग हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत थोड़ी है कि क्वेश्चन के एक ही आंसर हो, एक ही फार्मूला बनता हो, फार्मूला कई तरह के बन सकते हैं। मैंने जानबूझ किया है फोर्स को इस तरह से, नहीं तो फोर्स क्या होता, म्यू, अब तक हम क्या लिखते हैं फोर्स को, म्यू आर लिखते हैं या म्यू एम जी कॉस थीटा लिखते हैं। यस आर नो? क्योंकि उस टॉपिक में आई नहीं आएगा भाई, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर भी, कितना होता है 1/2 mr² होता है, एक उस टेबल में था एक पॉइंट, पढ़ा नहीं होगा कितना होगा। देखिए क्लास यहाँ पे भी इस तरफ से एक इक्वेशन हमने यूज की हुई है, कितनी यूज की हुई है कि एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए बी, ये था ना, इसमें एफ पुट कर दो भाई, यहाँ पे एफ रखिए भी, कितना आएगा एम जी साइन थीटा माइनस आई ए बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम ए बी। सही है, तो ए वहाँ पे इकट्ठा कर लेते, कितना आएगा एम ए ले सकता हूँ, एम ए इज प्लस आई ए बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा भी। सही लिखा है? यस सर नो? तो ए कॉमन आ रहा है, तो ए क्या बचा, एम प्लस आई बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए भी,
एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम प्लस आई आर स्क्वेयर। सही लिखी मैंने बात, बता दो डिवाइड में ले आई पूरी। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर भी, जिस ऐसे नीचे आ रहा है कर लोगे। अब हो सकता है कि सिलेंडर की जगह पे कोई और बॉडी हो भाई, हो भी आ रही हो, तो कुछ नहीं करना आपको, उसमें भी सेम आंसर आएगा। फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ आई का फर्क पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भाई। मास होगा कुछ ना कुछ, जी होगा कुछ ना कुछ एंगल पे जा रहा होगा, मास है रेडियस होगा और घूमती भी आ रही है, तो यस आर नो, तो स्फीयर हो चाहे रिंग हो जो कुछ भी हो भाई, फर्क किसका आएगा, सिर्फ इनर्शिया का। उस हिसाब से आई की वैल्यू पुट कर दो, इनर्शिया की वैल्यू क्या है कर लोगे। अगर आपको पता ही नहीं है बॉडी की शेप क्या है, तो इनर्शिया कैसे निकालते थे हम लोग, इंटरनल ऑफ रेडियस ऑफ ग्रेसेंस भी याद है कि नहीं है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ये लिखा था ना। तो दोनों से कर लेते हैं, पहला तरीका करते हैं, मेरे को पता ही नहीं है कि शेप क्या है, सिलेंडर नहीं है भाई, मान लेते कोई और शेप है अभी जो घूमती भी आ रही है, तो क्या लिखोगे उसकी जगह पे, आई की जगह पे एम के स्क्वायर। सिलेंडर हो तो इसका है हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर दोनों पुट कर लेंगे, कर लोगे इज आई इज इक्वल टू कितना होगा भाई, एम आर स्क्वायर वन बाई टू, याद होना चाहिए सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अबाउट द एक्सिस भी, वन बाई टू एम आर स्क्वायर, ये घूमता एक्सिस के अकॉर्डिंग ही ऐसे कर लोगे, तो वन बाई टू एम आर स्क्वायर पुटिंग द वैल्यूज भी यहाँ पर रख दीजिएगा, तो ए का वैल्यू कितना होगा, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम प्लस आई कितना भाई, वन बाई टू एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर भी, ठीक है कर लोगे। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, यहाँ पे एम प्लस वन बाई टू एम बचा भाई, एक प्लस आधा एम 1.5 एम भी, थ्री बाई टू तो कितना हुआ, ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई थ्री बाई टू एम भी, एम से एम काट दो, एम से एम काट दें, कितना हुआ एक्सेलरेशन का वैल्यू, टू बाई थ्री जी साइन थीटा भी। समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर भी। लिखिए के क्या है, रेडियस ऑफ ग्रेसन, तो आई का वैल्यू कितना होता भाई, कुछ याद है, एम के स्क्वेयर, एम के स्क्वेयर, ये किसी भी बॉडी के लिए हो सकता है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई कितना है, ए का वैल्यू भी, ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम प्लस एम के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर भी। सही लिखा है, यहाँ से एम कॉमन आ सकता है, ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम इन टू वन प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, एम से एम काट दे, तो ए का वैल्यू कितना हुआ अभी, यहाँ पे हुआ जी साइन थीटा डिवाइड बाई वन प्लस के स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। ये किसी भी बॉडी के लिए भी, कोई भी अननोन बॉडी हो जो रोल करती हुई आ रही हो जाएगा भाई। अब इसकी जगह बोल दिया जाए आपको कि सोलिड स्फीयर आ रहा है अभी, रोल करता हो विदाउट स्लीपिंग्स, उसका निकाल दो आई का वैल्यू, याद होना चाहिए आपको, यानी आपको जो एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता भी हो एग्जाम हमारे यहाँ पे, ठीक है, सिलेंडर है, स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, कुछ भी आ सकता रोल करता हो, तो उसके हिसाब से क्या आई का वैल्यू पुटिंग द वैल्यूज, बस आई का वैल्यू पुट करना आपको यहाँ पे, कर पाओगे ओके। देखो यहाँ तो सिर्फ क्या पूरा हुआ अभी तक, इनर्शिया पूरा हुआ है, ए की वैल्यू निकली है हमारी, फ्रिक्शन कितना होगा अभी इस हिसाब से, हो गया इतना रब कर दें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्लास एफ को चेक करो कितना आया था आपका वैल्यू, एफ इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वेयर, ये फ्रिक्शन था भाई, फोर सिलेंडर भी ए का वैल्यू कितना था भाई, फोर सिलेंडर ए का वैल्यू अभी क्या था, टू बाई थ्री था,
टू बाई थ्री जी साइन थीटा, जी साइन थीटा भाई। और सिलेंडर के लिए आएगा वैल्यू कितना था, एम आर स्क्वायर भी वन बाई टू एम आर स्क्वायर। यस सर नो, तो एफ का वैल्यू कितना होगा भाई यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, आई कितना अभी क्लास, वन बाई टू एम आर स्क्वायर इन टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, टू बाई थ्री जी साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सही लिखा है, चेक करो, आई का पुट कर दिया, आई का पुट कर दिया, डिवाइड बाई आर स्क्वायर भी। कुछ कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, टू से टू काट दिया, एफ का वैल्यू कितना अभी, वन बाई थ्री एम जी साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द सिलेंडर वे। बस यही निकालना था, म्यू निकालना हो तो भाई सब कुछ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू कितना आएगा, कुछ याद है म्यू कितना था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो तो म्यू एफ बाई आर होता है, याद है कि नहीं है। म्यू कितना होता है, एफ बाई आर, एफ भी निकाल लिया, आर आपको पता है पहले से, म्यू इज इक्वल टू वन बाई थ्री एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर क्लास, चेक करो आर कितना था, एम जी कोस थीटा। और लिखवा रखा आपको पहला पॉइंट ये लिखवा था, आर का वैल्यू एम जी कोस थीटा, सही है कि नहीं है। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आया, वन बाई थ्री टेंजेंट थीटा भी, देख लो कट गया एम जी से एम जी, साइन बाई कोस क्या हो गया टेंजेंट भी, वन बाई थ्री एम जी, सॉरी वन बाई थ्री टेंजेंट थीटा, दिस इज म्यू।